ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो हम टेक्स्ट 36 चर्चा कर रहे हैं। एतावाद एव जिज्ञास्यं तत्पुं जिज्ञान सुनात्मना अन्वय व्यतिरेखाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अ पर्सन हु सर्चिंग आफ्टर द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट मोस्ट सर्टनली सर्च फॉर इट अप टू दिस इन ऑल सर्कमस्टेंसेस इन ऑल स्पेस एंड टाइम बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो हम यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं जो भी व्यक्ति भगवान को ढूंढ रहा है उसको ये स्तर तक ढूंढना है पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हरेक अवस्था में हरेक समय पे। तो हम काफ़ी क्लासेस से हम ये श्लोक का चर्चा कर रहे हैं तो प्रभुपाद इतने विस्तार से इतने धैर्यता से पेशेंस के साथ परपोर्ट लिख रहे हैं। तो कल हमने देखा कि सर्वत्र सर्वदा का मतलब है हरेक अवस्था में हरेक समय पे। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं भक्ति जो है हरेक समय पे किया जाता है। कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मकै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् हरि कीर्तनात्। जो भक्ति है सत्युग में होता है त्रेता युग में द्वापर युग में कलयुग में। तो हरेक स्थिति में हरेक समय पे हरेक स्थिति में व्यक्ति का कौन सा भी चेतना है अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो वर्णन आता है किसी का भौतिक इच्छा है नहीं है हरेक व्यक्ति भगवान का भक्ति कर सकता है। ओम पवित्रो अपवित्रो व सर्वावस्था गतोपि व यस्मरे पुंडरीकाक्ष स बाह्य अंतरंग सुचि। कोई शुद्ध है अशुद्ध है हरेक व्यक्ति भगवान का आराधना कर सकता है। तो हमने देखा प्रभुपाद विष्णु पुराण से भी कोट करते हैं स हानिस्तन महत् चिद्रम स मोह स च विभ्रम यन मुहूर्तम शलम वापी वासुदेवम न चिंतयेत। तो ये विष्णु पुराण का श्लोक है कि अगर एक क्षण तक कोई वासुदेव का चिंतन नहीं करता ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सबसे बड़ा मोह है। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं हर एक अवस्था में भगवान की भक्ति होती है। तो हमने देखा कि माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज और परीक्षित महाराज माँ भगवान का भक्ति करते हैं भक्ति योग शुरुआत करते हैं उनका। ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में भक्ति करते हैं। अम्बरीश महाराज परीक्षित महाराज यौवन अवस्था में भक्ति करते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं धृतराष्ट्र जब अंतिम समय पे थे तब भगवान की भक्ति शुरू करते हैं। तो व्यक्ति उसका कौन सा भी समय है हर एक व्यक्ति शुरू कर सकता है। कोई बोल नहीं सकता मैं बहुत छोटा हूँ भक्ति के लिए या मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ भक्ति के लिए। तो सब उदाहरण है एवरी केस स्टडी इज देयर। अजामिल की कहानी आती है अजामिल वर्शिप द लॉर्ड इवन एट द पॉइंट ऑफ डेथ।
अजामिल भगवान की भक्ति नारायण का स्मरण कब करता है? यमदूत आ गए हैं उसके आत्मा को लेके जाने के लिए, उस समय करता है, तभी भी उसका मुक्ति होता है। भगवान उसको और एक अवसर देते हैं, जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो थोड़ा भी भक्ति करेगा अनजाने में भी, न जानते हुए। अजामिल कहाँ भगवान का नाम ले रहा था? अपने पुत्र का नाम ले रहा था नारायण। इसलिए ये भारत का संस्कृति है, एटलीस्ट जो पुत्र है, संतान है, उनका नाम भगवान के नाम जैसा रखना चाहिए। एटलीस्ट उनका नाम लेते लेते भगवान का नामों का स्मरण होगा। तो ये सांकेत है, अजामिल भगवान को नहीं पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था। पर भगवान इतने कृपालु हैं, वो सोच रहे हैं ठीक है मेरा नाम ले रहा है तो उसको भी फल मिलेगा। यहाँ चित्रकेतु महाराज की कहानी आती है। चित्रकेतु महाराज को जब श्राप मिलता है, पार्वती जी श्राप देती है चित्रकेतु को कि आप राक्षस बन जाओ, चित्रकेतु महाराज खुश हैं क्योंकि राक्षस योनि में भी नरक में भी भगवान की भक्ति होती है, हर एक अवस्था में। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यात दर्शनम। तो शिवजी पार्वती जी को भक्तों का गुणगान करते हुए बताते हैं, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यात दर्शनम। भक्तों के लिए स्वर्ग है, मुक्ति है, कौन सा भी अवस्था है, सब एक ही है, क्योंकि हर एक अवस्था में वो भगवान की भक्ति करते हैं। गृहता को वनेता को सदा हरि बोलेता को, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, कोई गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। सुख में या दुख में हर एक अवस्था में व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना है। सो भागवतम का यही सार है। सो द कंक्लूजन ऑफ भागवतम एज गिवन बाय सुखदेव गोस्वामी टू महाराज परीक्षित। तो हमने ये कल देखा था कि भागवतम का पहला स्कंद समाप्त होता है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का मिलन, और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं आप सार बताइए, क्योंकि मेरे पास अभी 7 दिन ही है, तो शास्त्रों का निचोड़ बताइए, मुझे अपना जिंदगी सफल बनाना है, कौन सा मार्ग का पालन करूं। तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत भागवतम के अंत तक रुकते नहीं है, पहले ही बता देते हैं, एता निवृत्य मानानाम इच्छताम कुतो भयम् योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। तो बोलते हैं ओ किंग, हे राजन, ये निश्चित हुआ है कि सब लोगों के लिए, अगर कोई योग मार्ग में है, वैराग्य मार्ग में है या कर्मी है, हर एक व्यक्ति अपने मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकता है हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान हरि का नाम का स्मरण करते हुए। सिमिलरली एज इंडिकेटेड इनडायरेक्टली इन वेरियस प्लेसेस इन रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। तो ये भागवतम का ही सार नहीं है, अलग अलग शास्त्रों का यही सार है। तो प्रभुपाद अलग अलग शास्त्र कोट करते हैं, इवन तो वन इज वेल वर्स्ड इन द वेदास एंड स्क्रिप्चर्स, इफ वन इज नॉट अ डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ही इज कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो प्रभुपाद ने यह भी श्लोक कोट किया कि अगर कोई वेद में निपुण है, सब शास्त्रों को जानता है, पर भगवान का भक्त नहीं है, तो सबसे नीच व्यक्ति है। इसका मतलब क्या है? शास्त्रों का निचोड़ भगवान की भक्ति है। इन द गरुड़ पुराण, बृहन नारदीय पुराण एंड पद्म पुराण द सेम इज रिपीटेड। तो यही जो सार है गरुड़ पुराण, बृहन नारदीय पुराण, पद्म पुराण में आता है, वो क्या है? वॉट इज द यूज ऑफ वेदिक नॉलेज एंड पेनेंस फॉर वन हु इज डिवॉइड ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। अगर किसी के पास भक्ति नहीं है भगवान के प्रति, तो वैदिक ज्ञान, अगर उसने ज्ञान अर्जित किया है वेदों का या तपस्या कर रहा है, ऐसा तपस्या का क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। श्रम एव हि केवलम। व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रजापतिस टू वन डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो ये सब शास्त्रों का वर्णन है, सब श्लोक है, उसका अनुवाद प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि एक भक्त रहेगा उसके सामने हजारों प्रजापति, उनका तुलना नहीं है, एक भक्त बहुत महान है। सुखदेव गोस्वामी सेड इन भागवतम 2.4.17 दैट नीदर द एसेटिक नॉर वन हु इज ग्रेटली मैग्निफिसेंट नॉर वन हु इज फेमस नॉर द ग्रेट फिलोसोफर नॉर द ग्रेट अकल्टिस्ट नॉर एनीवन कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट
विदाउट बीइंग एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो यही दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय 17वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई योग मार्ग का पालन कर रहा है, कोई दार्शनिक है, अलग अलग मार्ग का पालन कर रहा है, उसको अपने मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सांख्य योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, बाकी योगों का भी पालन कर रहा है, उसमें भी भक्ति होना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसको सफलता नहीं मिलेगा। इवन इफ अ प्लेस इज मोर ग्लोरियस देन हेवन, इफ देयर इज नो ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ वैकुंठ और हिज प्योर डिवोटी, इट शुड एट वंस बी क्विटेड। तो देखिए ये शास्त्र का वर्णन है कि अगर एक जगह है जहां जो स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है, ऐश्वर्यशाली है, पर वहां पे भगवान का गुणगान नहीं हो रहा है, भक्तों का गुणगान नहीं हो रहा है, ऐसा जगह को तुरंत छोड़ के जाना चाहिए। पर जहां पे भगवान का गुणगान हो रहा है वहीं पे व्यक्ति को रुकना है। तो हमारे लिए स्वर्ग वैकुंठ क्या है? जहां पे भगवान का गुणगान और भगवान की सेवा हो रही है। द प्योर डिवोटी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट ऑल द 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन इन ऑर्डर टू बी एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं 5 तरह के मुक्ति है, सायुज्य, सारोप्य, सालोक्य, सामिप्य, सारिष्टि इत्यादि। तो भक्त ये 5 मुक्ति को त्यागने के लिए तैयार है अगर उन ये मुक्ति में भगवान की सेवा नहीं है। तो भक्तों का एक ही इच्छा है, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहेत की त्वयि, मुझे जन्म जन्म आपका ही सेवा करना है। सो ये शास्त्रों का सार है। प्रभुपाद देखिए कितने पेशेंस के साथ ये सब अलग अलग श्लोक कोट कर रहे हैं अलग अलग शास्त्रों से, ये पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि हमको जो मार्ग मिला है सबसे ऊंचा मार्ग है। बहुत बार जब चीज मिलता है बहुत आसानी से उसका मूल्य पता नहीं चलता, वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू। द फाइनल कंक्लूजन देयरफॉर इज दैट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड मस्ट बी ऑलवेज एंड एवरीवेयर प्रोक्लेम्ड। तो सार क्या है? भगवान का गुणगान हर एक समय पे और हर एक स्थान पे होना चाहिए, शुड बी प्रोक्लेम, जोरों से भगवान का गुणगान होना चाहिए, ये सार है। वन शुड हियर अबाउट हिज ग्लोरीज, वन शुड चैंट अबाउट हिज ग्लोरीज, एंड वन शुड ऑलवेज रिमेंबर हिज ग्लोरीज, बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ। तो ये सार है शास्त्रों का, भगवान का गुणगान सुनो, भगवान का गुणगान करो, भगवान का गुणगान का स्मरण करो, जिंदगी सफल हो जाएगा। एज फार एज फ्रूटिव वर्क इज कंसर्न्ड, इट इज लिमिटेड टू एन एंजॉयबल बॉडी। एज फार एज योगा इज कंसर्न्ड, इट इज लिमिटेड टू द एक्वायरमेंट ऑफ मिस्टिक पावर। एज फार एज एम्पिरिक फिलोसफी इज कंसर्न्ड, इट इज लिमिटेड टू द अटेनमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। एंड एज फार एज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज कंसर्न्ड, इट इज लिमिटेड टू अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अगर कोई कर्म का मार्ग का पालन कर रहा है तो कर्म किसके लिए सीमित है? शरीर के भोग के लिए कर्म, बस उतना ही। अगर कोई योग का मार्ग का पालन कर रहा है, योग किसके लिए करते हैं? सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मिस्टिक पावर, अलग अलग शक्ति प्राप्त करने के लिए, इट्स लिमिटेड टू दैट ओनली। अगर कोई ज्ञान मार्ग का पालन कर रहा है किस लिए करता है? दिव्य नॉलेज, ट्रांसलेंटल नॉलेज पाने के लिए, और ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उसका इच्छा क्या है? मुक्ति, दैट्स ऑल। इवन इफ दे आर अडॉप्टेड देयर इज एवरी चांस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन डिस्चार्जिंग द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। तो अगर कोई कर्म या योग या ज्ञान मार्ग का पालन कर रहा है पर इसमें भी अड़चने आएंगी, शायद पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं करेगा। बट adoption of transcendental devotional service of the Lord has no limit, nor is there fear of falling down. तो भगवान का भक्ति इसका कुछ सीमा ही नहीं है। बाकी मार्ग में, ज्ञान मार्ग में मैक्सिमम सीमा है मुक्ति, पर भगवान की भक्ति में मुक्ति से ज्यादा अवस्था मिलता है, भगवान स्वयं आ जाते हैं ऐसे भक्तों के पास, राइट? सो इट इज अ ग्रेटर स्टेज, बहुत ऊंचा स्थिति है, और ऐसे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति। तो ऐसे भक्तों का बाह्य रूप से पतन भी हुआ
भगवान आके ऐसे भक्तों को बचाएंगे। अपी चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हो ही सब। तो भगवान बताते हैं ऐसे जो मेरे भक्त हैं बाह्य दृष्टिकोण से इनका पतन भी हो गया, निश्चित रूप से मैं इनको आके बचाऊंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत धर्मम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रदर्शति। तो ऐसे शास्त्रों में इतने सारे उदाहरण हैं जो भक्तों का पतन होता है पर भगवान की कृपा से शुद्ध भक्त बनते हैं। भरत महाराज की कहानी, हिरण के प्रति आसक्त हो गए, उनको एक जन्म में हिरण का शरीर लेना पड़ा, फिर से महान भक्त बन गए। सो देयर आर मेनी स्टोरीज लाइक दिस। सो देयर इज नो फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। भगवान की भक्ति में पतन होने का सवाल ही नहीं है। द प्रोसेस ऑटोमेटिकली रीचेस द फाइनल स्टेज बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। तो ये स्वाभाविक रूप से व्यक्ति सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचता है। अन्य मार्ग सीढ़ी चढ़ने जैसा है, स्वयं के प्रयास से चढ़ना पड़ता है, पर भक्ति का मार्ग बैठ जाओ, लिफ्ट दबाओ, बटन दबाओ, भगवान ऐसे भक्तों को ऑटोमेटिकली ऊपर लेके जाएंगे। ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। द प्रोसेस ऑटोमेटिकली रीचेस द फाइनल स्टेज। तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, जो भी भक्ति योग का पालन करता है इट फोर्सिबली ड्रैग्स वन टू सक्सेस। अगर आप सफल होना भी नहीं चाहते हैं, आपको खींच के लेके जाएगा सफलता की ओर। ऐसे बॉम्बे में होता है ना, लोग लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं, इतना भीड़ होता है, आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है ट्रेन में, वो जो भीड़ है आपको लेके जाएगा, जब स्टेशन आएगा आपको नीचे उतार देगा, है कि नहीं। तो वैसे ही भक्तों का संघ है, भक्तों के संघ में रहेंगे, भक्ति करेंगे, स्वाभाविक रूप से हम प्रगति करते रहेंगे। इन द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस देयर इज एन अपेरेंट रिक्विजिट फॉर नॉलेज, बट इन द हायर स्टेज देयर इज नो नेसेसिटी फॉर सच नॉलेज। तो प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति के शुरुआत में ज्ञान की जरूरत है, इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जैसा व्यक्ति बहुत ऊंचा भक्ति में प्रगति करता है अलग अलग स्तरों पे, उसको ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं ज्ञान देते हैं उसके हृदय में परमात्मा के रूप में। द बेस्ट एंड गारंटीड पाथ ऑफ प्रोग्रेस इज देयरफॉर एंगेजमेंट इन भक्ति योग और प्योर डिवोशनल सर्विस। तो सबसे उत्तम मार्ग और गारंटीड पाथ, मतलब इसमें कभी फेलियर नहीं होगा, नो फेलियर गारंटी। भगवान आश्वासन देते हैं, कितने बार भगवान गीता में आश्वासन देते हैं, बाकी लोगों को आश्वासन नहीं देते, कर्मी ज्ञानी को आश्वासन नहीं देते, पर भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्त बनेगा निश्चित रूप से मैं ऐसे भक्तों की रक्षा करूंगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प। सो भक्ति योग सबसे ऊंचा योग है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, सबसे ऊंचा ज्ञान है एंड इट इज अ गारंटीड पाथ ऑफ प्रोग्रेस, निश्चित रूप से व्यक्ति का प्रगति होगा। द क्रीम ऑफ श्रीमद् भागवतम इज द फोर गोइंग फोर श्लोकस, इन द फोर गोइंग फोर श्लोकस इज समटाइम्स स्क्वीज्ड आउट बाय द इम्पर्सनलिस्ट फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस इन देयर फेवर, बट इट शुड बी केयरफुली नोटेड दैट द फोर श्लोकस वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हिमसेल्फ एंड थस द इम्पर्सनलिस्ट हैज नो स्कोप टू एंटर इनटू देम बिकॉज ही हैज नो कंसेप्शन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये जो चार श्लोक हैं मायावादी भी लेते हैं, ये भागवतम के चार श्लोक, ये चौथावा श्लोक है, और वो अलग अलग तर्क विचार देते हैं, पर मायावादियों का तर्क विचार चलेगा ही नहीं ये चार श्लोकों में। क्यों? क्योंकि ये चार श्लोक कौन बता रहे हैं? विष्णु बता रहे हैं। हमने देखा ये भगवान ये श्लोक बताने से पहले ब्रह्मा जी को वैकुंठ लोक का दर्शन होता है, विष्णु के रूप का वर्णन आता है, निर्विशेष निराकार नहीं है, रूप है उनका, और वो जो विष्णु जिनका रूप है सच्चिदानंद विग्रह है वो ये चार श्लोक बता रहे हैं। तो इसका मतलब है मायावादी ये श्लोक के बारे में चर्चा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप भगवान का रूप को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक भागवतम क्या समझेंगे। तो दिस इज द एसेंस कि भगवान का रूप है और भगवान के रूप में भगवान का भक्ति करना है, हमको भगवान की सेवा करना है भगवान के रूप का। देयरफोर द इम्पर्सनलिस्ट मे स्क्वीज आउट एनी इंटरप्रिटेशन फ्रॉम देम बट सच इंटरप्रिटेशन विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाई दोज हु आर टॉट इन द डिसिप्लिन सक्सेशन फ्रॉम ब्रह्मा
as will be cleared up in the following verses. तो मायावादी जितना भी अलग अलग तर्क विचार करें और अलग अलग अर्थ दें इस श्लोकों का, पर जो परंपरा में आ रहे हैं ब्रह्मा जी के परंपरा में जो भक्त आ रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि उनको सही रूप से ज्ञान मिल रहा है. बिसाइड्स दैट द श्रुति कन्फर्म्स दैट द सुप्रीम ट्रूथ पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड नेवर रिवील्स हिमसेल्फ टू एनीवन हु इज फॉल्सली प्राउड ऑफ हिज एकेडमिक नॉलेज. तो इसके अलावा शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो अपने ज्ञान पे घमंड है, उनको अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, ऐसे लोगों को भगवान अपना दर्शन नहीं देते. तो श्रुति मंत्र क्लियरली सेज कठोपनिषद 1.2.23 नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेद्या न बहुधा श्रुतेन यम एवैस वृणुते तेन लभ्यस तस्यैस आत्मा वृणुते तनुम स्वाम. तो ये कठोपनिषद का वर्णन है कि व्यक्ति को अपने तर्क विचार से भगवान को समझ में नहीं आएगा. समझने का तरीका क्या है? भगवान की भक्ति. द होल मैटर इज एक्सप्लेन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ एंड वन हु हैज नो अप्रोच टू द लॉर्ड इन हिज पर्सनल फीचर कैन रेयरली अंडरस्टैंड द पर्पट ऑफ श्रीमद् भागवतम विदाउट बीइंग टॉट बाय द भागवतर्स इन द डिसिप्लिन सक्सेशन. तो ये जो सिद्धांत है भागवतम का, भगवान स्वयं समझा रहे हैं ब्रह्मा जी को. तो ये समझने का तरीका है भागवतम, जब भगवान स्वयं समझाते हैं भक्तों के माध्यम से. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु. तो कृष्ण गीता में बोलते हैं ये जो ज्ञान है मैं परंपरा में देता हूँ. तो ऐसे भागवतों के माध्यम से जैसा ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं और ब्रह्मा जी उनके गुरु शिष्य परंपरा में आगे देते हैं, ऐसे ही माध्यम से भगवान को समझा जा सकता है अपने बुद्धि से नहीं. सो दिस वॉज द फोर्थ श्लोक. ये चतुर्श्लोकी भागवतम का चौथा श्लोक था जिसका तात्पर्य प्रभुपाद इतने विस्तार से देते हैं. सो वी विल रीड द नेक्स्ट श्लोक ऑल्सो. हम टेक्स्ट 37 पढ़ेंगे. एतन्मतं समातिष्ट परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमोयति कर्हिचित. व्हाट वर्ड? एतत् दिस मतम द कंक्लूजन समातिष्ट रिमेन फिक्स्ड परमेन बाय द सुप्रीम समाधिना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड भगवान योरसेल्फ कल्प इंटरमीडिएट डिवास्टेशन विकल्पेशु इन द फाइनल डिवास्टेशन द विमोयति विल नेवर बिबिल्डर कर हिचित एनीथिंग लाइक कंप्लीसेंस. ट्रांसलेशन ओ ब्रह्मा जस्ट फॉलो दिस कंक्लूजन बाय फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड एंड नो प्राइड विल डिस्टर्ब यू नीदर इन द पार्शल नॉर इन द फाइनल डिवास्टेशन. तो देखिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ये जो चार श्लोक है इसका पालन करने से क्या होगा, या भागवतम का सार पालन करने से क्या होगा. ओ ब्रह्मा जस्ट फॉलो दिस कंक्लूजन. हे ब्रह्मा ये सार को पालन कीजिए. तो जैसा कृष्ण गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम. तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं जस्ट सरेंडर अन टू मी. तो ये जस्ट का मतलब क्या है? विश्वास रखो. तो भगवान यहां पे भी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं जस्ट फॉलो दिस कंक्लूजन, ये सार को फॉलो करो, तर्क विचार मत लगाओ, मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करो बाय फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन समातिष्ठा यू नो समाधिना बाय कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड. यू नो ये जो वचन है उस पर आप ध्यान करो. गुरुमुख पद्म वाक्य चितेते कुरिया ऐक्य आरना करी हो मने आश. जो गुरु का आज्ञा है भगवान का आज्ञा है उस पर पूरा ध्यान लगा के स्वीकार करना है. तो ये करेंगे तो क्या होगा? भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं आपको अहंकार नहीं छुएगा. यू विल नॉट बी बिविल्डर्ड. आप घमंडी नहीं होंगे कि मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा हूं, घमंड नहीं आएगा और आप बिल्कुल विचलित नहीं होंगे.
जब प्रलय हो रहा है कल्प विकल्पेशु, इंटरमीडिएट डिवास्टेशन, फाइनल डिवास्टेशन, हर एक समय पे आप विचलित नहीं होंगे। तो ये तरीका है कि जब हम भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं इन फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन, तब जो भी हम सेवा करते हैं भगवान के लिए, महान सेवा करते हुए भी अहंकार नहीं आएगा। तो ब्रह्मा जी का ये एक जिज्ञासा था और ये डाउट था भगवान को, मैं अभी सृष्टि का निर्माण कर रहा हूँ, मेरे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, व्हाट इज द प्रोटेक्शन फॉर इट। तो भगवान बोल रहे हैं ये सार को समझो, आपको घमंड नहीं आएगा। तो इसका जो तात्पर्य है वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।